गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रामचंद्र गोरी और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह के अभी 7:30 बजे हैं और अभी सोकर उठा हूं मैं और अभी देखते हैं दिन में आज क्या क्या काम होता है। दोस्तों, अभी फर्श का काम ज़्यादा है, फर्श कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं नहाने के बाद कपड़े पहन कर तैयार हो चुका हूँ। दोस्तों, कपड़ों के बाद जूते और मोजे पहनना बाकी रह गया है और परी मुझे जूते बहरा रही है। हेलो दोस्तों, मैं आज भेजने जा रहा हूँ अपनी जो डीजे वाली गाड़ी है उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स बाकी हैं, उसके लिए भेजने जा रहा हूँ। तो ज़रूरत वाले डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं, वो मैं भी साथ लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा आपको। हेलो दोस्तों, अभी मैं अपने गांव निरादून से जुड़ने के लिए जा रहा हूं और ये रोड है जो आप देख रहे हैं, ये अपने मेरे गांव से नाथा सड़क को जोड़ती है जो सिंगल रोड है, बट अभी अच्छी कंडीशन में है। हेलो दोस्तों, अभी जिस रोड पर हम चल रहे हैं ये रोड अपने झूझन और मलसीसर को जोड़ती है और आगे मलसीसर से आगे ये राजगढ़ सादुलपुर निकलती है और इधर झूझन से जयपुर के लिए आती है। फिलहाल ये डबल रोड पे रोड है और अच्छी कंडीशन में है। हाँ दोस्तों, हम अभी डलवाएंगे बाइक में पेट्रोल। ये पेट्रोल अपने धनुरी से कुछ दूरी पर चलते ही है, ये अच्छा पेट्रोल भी रखता है। हेलो दोस्तों, अभी हम झुंझुनू विन कर चुके हैं और जिस काम के लिए हम आए हैं आज, उस काम के लिए हम अभी आरटीओ ऑफिस पहुंच चुके हैं और अभी करवाएंगे वो अपने पिकअप के कुछ कागजात। हेलो दोस्तों, आप जो पुलिया का निर्माण देख रहे हैं, ये अपने आरटीओ ऑफिस से जो स्टेशन की तरफ रोड आती है उस पर पुलिया का निर्माण हो रहा फाटक के ऊपर से। हेलो दोस्तों, आरटीओ ऑफिस से अपना काम पूरा होने के बाद अभी पहुंचे हैं आरके कलर लैब में, जहां से हम लेंगे अपने शॉप के लिए कुछ सामान, जरूरी सामान। हेलो दोस्तों, सारे काम कंप्लीट करने के बाद अभी हम पहुंचे निर्वाण होटल में, क्योंकि दोपहर के अभी 12:30 बज चुके हैं और हम सुबह बिना नाश्ता किए हुए जो नूल आ गए थे, तो अभी कुछ खाने के लिए यहाँ रुके हैं। तो दोस्तों, आप भी आ जाओ, खाना खा लीजिए। हेलो दोस्तों, खाना खाने के बाद अभी हम पहुँचे हैं सैलून की दुकान पे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम और था तो सोचा कि चलते चलते कटिंग भी करवा लें। हेलो दोस्तों, गांव वापस बात आते समय हमें रास्ते में बाबा खाटू श्याम जी के भगत मिले जो खाटू नगरी जा रहे हैं, क्योंकि अभी फागुन मास में खाटू में मेला भी चल लगता है